देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से गुरुवार को भंडारी डी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में छठ पूजा समिति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरडी विधायक सुदीप कुमार सोनू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और चैम्बर के पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कुल 38 छठ घाटों की समितियों को छठ पूजा के दौरान बेहतर कार्य के लिए मोमेंटो और प्रशस्त पद देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मेट्रोस गली छठ घाट को व्रतियों के लिए बेहतर सुविधा दी गई, शिव शक्ति घाट को बेहतर साज सज्जा, आदर्श नगर छठ घाट सीओडी को साफ सफाई, आगरा घाट छठ घाट और बुधवा आहार छठ घाट पंचम्बा को आकर्षक साज सज्जा बेहतर सुविधा के लिए सम्मानित किया गया। इस बाबत सदर विधायक ने बताया कि छठ पूजा समितियों को सम्मानित करने का कार्य किया गया, यह एक सराहनीय पहल है। इस तरह के समारोह में आने वाले समय में छठ पूजा समितियों को और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। संयोजक अरविंद कुमार ने बताया कि छठ घाट समित सम्मान समारोह पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज किया गया। इस दौरान कुल 38 छठ घाटों की समितियों को सम्मानित किया गया। आने वाले समय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बेहतर करने का कार्य करेगा। मौके पर अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल भदानी, राजेश गुप्ता, धाम प्रकाश, मसरूर आलम सिद्दीकी, दशरथ प्रसाद, अरुण साव, संजय कुमार, दिवेन तिवारी, राहुल कुमार, सुदीप कुमार आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज छठ घाट पूजा समितियों को सम्मान देने का कार्यक्रम आधारित था और इसी के तहत गिरिडीह शहरी क्षेत्र के 38 छठ घाटों को बेहतर सजावट, साफ सफाई और छठ व्रतियों की सुविधा के आधार पर जो विशेष सम्मान है उसके अलावा सभी छठ घाटों को सम्मानित किया गया और आने वाले समय में CCI इससे भी बेहतर कार्यक्रम करेगी ताकि लोग प्रोत्साहित हो और उत्साह के साथ छठ घाटों की साफ सफाई और सजावट करें ताकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आने वाले समय में और बेहतर तरीके से सम्मान समारोह आयोजित करें। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।